उनकी बात करेंगे जिनके बारे में आई थिंक कुछ सोच भी नहीं था अंटिल द वर्क स्टार्टेड वे बैक अबाउट 1999-2000 आई एम टॉकिंग ऑफ द वुमेन्स पीपल जो बेघर लोग बातों से होते हैं. दरअसल ये मीटिंग हुआ था 1999 कमीशन में एंड उसमें ये हुआ कि भाई देश के ग्रामीण गरीबी को लेकर काफ़ी कुछ काम हुआ है, अनुसंधान बना है, लेकिन शायद शहरी गरीबी के अंदर इतना अनुसंधान नहीं है. खासतौर से वो लोग जो बिल्कुल हाशिए पे हैं जो बातों पर सोते हैं उनको लेकर समझ नहीं है. तो फिर हम लोगों ने उसको फिर उसको प्रोसेस को शुरू किया हम लोगों ने और उसकी उस टाइम पर जो था लीडरशिप और एक्शन है तो एक था आशा का लेखन and it was a survey jisme ki
हम लोग अगेन वो पद्धति भी हमने अडॉप्ट किया था कि शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो लोग मिलते हैं विश्व, और रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक विश्व हेड काउंट, और पूरा अच्छा था सिटी का जोन बना करके और रोड्स पूरा मैपिंग करके जिससे कोई डुप्लीकेशन ना हो, सो वी अवॉइड डुप्लीकेशन ऑल दैट। एक चीज जो शेयर करना चाहूंगा कि वही सामान जो डेटा था 2000 का विच वे वी काउंटेड ऑल द पैसे को सेंसस जब बहुत 2001 में तो हमें बुलाया गया उनके एनुमेरिक जो चार्ज ऑफिसर्स होते हैं कंटेनर तो ओरिएंट देम ऑन ड्यूइंग सेंसस टू द मुनिसिपल। तो हम लोग जो है उस समय आई रिमेंबर वी पुट ऑल आवर वॉलंटियर्स विद द सेंसस डिपार्टमेंट जिससे कि यू नो दैट दे आर एबल टू एनुमेरेट द मुनिसिपल प्रॉपर्ली, एंड दैट टाइम आल्सो वी टोल्ड दैट सेंसस इज ऑलवेज द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी दैट यू डू एंटायर कंट्री सिटीज का खास करके। We sent for Delhi because that time we were more spread out from Delhi. So Delhi mein we took 2 days, 2 nights. 2 nights okay only. But we saw how census is one of the biggest frauds in the country. It's a fraud and a fraud and a fraud. I'm telling you this statement coming from. मतलब 100,000 voters को count ही नहीं किया, और जिनको count जिनसे पूछा उनका नाम पूछा क्या बोल और केवल नाम पूछा, जिनसे पूछा भी और फिर बोला सुनो, तब पूछे गए उनके पास पूछने की भाई आपसे क्या आपके पास आए थे, बोले जी आए थे, क्या पूछा आपसे, बोले नाम पूछा बोला सुनो, तो जो उनके ऑफिसर थे उनसे बोला कि आपने तो सेंसस हुआ नहीं, बस तो करीब 32 क्वेश्चन होते हैं, 52 और भी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर मोबिलिटी है, कहाँ क्या कमाते हैं, कहाँ जाते हैं क्या, शहरी अधिकार मंच बेघरों के साथ, जिससे हम बेघरों के लिए मेन बेघरों के साथ, और
उस नेटवर्क के चलते जो है व्हाट हैपन वाज कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो जो जिस तरीके से चीजें हुई हैं कि जो एक एपथी लगभग एक ब्यूरोक्रेसी की है वेरी टॉकिंग ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं आप लोग तो आपको लगता है सरकारी दफ्तर के अंदर जो अक्सर लोग हैं दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल सारे ब्यूरोक्रेट्स से बड़े सेंसिटिव हैं ये जो था 2009 में क्योंकि ठंड आने वाली थी नवंबर के बाद दिसंबर ठंड पड़ती दिल्ली में तो 27 नवंबर 2009 को देयर वाज अ मीटिंग कॉल्ड बाय रेवेन्यू सेक्रेटरी वन मिस्टर डीएम सिकोलिया हुआ जब अरविंद आए थे तो बिकेम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली वो बताऊंगा मैं तो उनसे जो मीटिंग थी हमारी वी वर टॉकिंग अबाउट सम 71 शेल्टर्स इन द विंटर मंथ्स और हम लोग बिल्कुल ठंड पड़ने वाले थे ही शॉट इट डाउन टू 17 और एक कमेंट बोला था उन्होंने जो है कि दिल्ली में ठंड पड़ती का है ठंड होती आनंद लेने और वो भी 17 शेल्टर में से एक शेल्टर जो है वो एमसी ने उखाड़ दिया कॉमनवेल्थ गेम्स के चक्कर में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है पार्क में शेल्टर लगा हुआ है ये पार्क गंदा कर रहा है दिल्ली सरकार लगाती है एमसीडी निकालती है दिल्ली सरकार कांग्रेस की है एमसीडी बीजेपी की है इनके आपस में कसर होते हैं और दिल्ली का गवर्नेंस तो आपको पता ही चल गया होगा जो बीच में हुआ था उसमें हम लोगों ने थैंकफुली पीछे पर संघर्ष रहा हम लोगों का तो मीडिया से अच्छा समझ रहा हम लोग तो मीडिया के लोग जो है उस इशू को पकड़े उन्होंने पब्लिश किया मतलब ये 22 दिसंबर 2009 का वो शटर उखाड़ करना जो है प्रसंग चक्कर से and they wrote a letter to the Justice General Director.
running green. And then they also ordered using the Delhi Master Plan criteria 4.3, which said for 1 lakh population, urban population, there has to be one shed. तो दिल्ली मास्टर प्लान का वो प्रावधान जब सब लोग प्रोटेस्ट करके उसको डाला था मास्टर प्लान के अंदर दैट एक्चुअली वेंट नेशनल इन द सेंस की सो दे सेड कि सारे शहरों में कम से कम एक क्राइटेरिया कि 1 लाख में एक शेल्टर होना चाहिए उसके चलते शेल्टर्स काफी जगह खुले लेकिन हम जहां बैठे हैं आज ये उस राज्य में और उस शहर में एक भी शेल्टर होमलेस के नहीं एक भी शेल्टर होमलेस के एक और चीज की तकरीबन 2003 में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड प्रशांत भूषण हेड फाइल द पीआईएल ऑन होमलेस मैटर तो अभी जो हर्ष लोगों का मैटर था ये 2010 में आया था क्योंकि वो जो स्पिन लेटर उसको फिर आगे चल के 2011 तक कोर्ट ऑफ इंटरेस्ट और वो राइट टू मैटर बना करके होमलेस वाला मैटर उन्होंने घर पर निकाल दिया तो थैंकफुली हमारे 2003 का होमलेस पिटिशन है जिसमें कि हम लोग पिटिशनर से उसके अंदर तो वो पेटिशन जो है सोचिए 10 साल बाद मतलब पिछले साल वो एक्टिव हुआ और अभी जो है हाल में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किए हैं टू ऑल द चीफ सेक्रेटरीज टू टेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग फॉर द होमलेस पीपल नाउ क्या कर रहे हैं कितने शेल्टर्स क्या है आई थिंक अप्रैल में कभी वो आना चाहिए वो मैटर सो हमारे लिए जो है लगभग जो स्ट्रगल रहा है यू नो स्पेशली आई वुड से फॉर द होमलेस पीपल इट्स बीन अ स्ट्रगल जहां पर अभी तक भी जो है इट्स नॉट एज वेल कि इट्स केक वॉक जब राइट्स की बात करते हैं दरअसल वहीं पे अपना जो है हाईकोर्ट में बार बार हमको कहना पड़ता है कि जैसे वो शेल्टर जो चल रही है जैसे तमाम होमलेस लोग केटेगर्स के अंदर तो दे ऑल गेटिंग मिनिमम वेजेस पेड बाय द गवर्नमेंट तकरीबन जहां पर 1 करोड़ खर्चा होता था साल का इनका हमने वो खर्चा करीब 12 करोड़ करा दिया है सरकार पे करती है एंड most of the shelter caretakers are themselves homeless so at least minimum wages sabko mil raha hai cleaners are there step up karte hain lekin dikkat ye hai ki payment milne mein aaj bhi 9 mahine lag jaate hain high court mein baar baar jaate hain kyunki matters going on with the high court and then the high court shames the government and third to matter aata wala they are not paid for last 9 months and then I think the other issues that are also happening in Mumbai mein hoga ki सबसे बड़ी समस्या जो हमारे जो होमलेस लोगों के लिए है इट्स अबाउट द पुलिस डिटैक्ट पुलिस मीटिंग्स सो इनफैक्ट वो स्टडी जो हमारा 2012 तक 2008 वाला उसमें यही निकल के आया है एंड स्टडी भी ऑल्सो इन लखनऊ ऑल दैट सब में यही है कि पुलिस की जो मार है आई थिंक वो पुलिस की जो कहर है काफ़ी ज़्यादा है और उसके चलते जो है आई थिंक हम लोगों ने तकरीबन पिछले 2 सालों में अराउंड 31 कंप्लेंट फाइल किया था तो दिल्ली हाईकोर्ट हैड ऑर्डर्ड द पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑल द कंप्लेंट फाइल वो भी मैटर जो है कल होने वाले हैं मतलब कभी कल शायद वो आशी पे काम करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उनके बीच में तमाम दिक्कतें हैं इतना आसान नहीं है पर अगेन इसमें एक और चीज है कि इसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि पिछले 20-30 साल से बातों पर जिनका अधिकार है हाउसिंग का नॉट शायद So we have been also lobbying with USIP and High Court as well, saying that people, हम लोग बात करते हैं housing continuum का कि हम shelter शुरू करते हैं पर shelter खत्म नहीं होता है वो आता है housing rights के ऊपर that people require housing and families जो हैं पिछले क्योंकि जो victims हैं of eviction वो चाहे यमुना क्रूज का हो 2004 का चाहे वो मोतिया खान हो तमाम जगह से दिल्ली में evictions हो रही हैं इन सब जगहों पे people require housing तो हम घर की बात करते हैं वहाँ पे और इसके अंदर जो है एक और चीज़ की इनफैक्ट वो बात 2011 की है थिंक एज शहरी अधिकार मंच ऑल्सो इट्स नॉट दैट हम लोग काफ़ी इलेक्शन में इंटरवीन करते हैं वी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट वो 2011 का इस समय मैं तुझे इलेक्शन का बजट नहीं करवा था वी गॉट टू नो इन एडवांस की ऐसा हो रहा है तो सब सब पहुँचे थे वहाँ पर और चूंकि हम लोग थे मैदान में कुछ सॉफ्ट बिल्डर इलेक्शन कुछ भी काफ़ी सारे मैदान बच गए हाईकोर्ट से हम स्टेट लेके आ गए तो अभी भी वो मकाने बची हुई हैं बट वहाँ पे यूनिकल एक्ट है कि अब जो वहाँ पे वो चूंकि
कठपुतली क्वालिटी को लेकर के बात चल रही है हटाने की, नॉल है तो वहाँ पे जो मकान बने हैं उनको वहाँ पे ट्रांसिट अकोमोडेशन भी बनी है, बट जो मेन हाउसेज जो लोगों के बल है वो आज भी इंटैक्ट है। तो इट्स लाइक कि हम लोगों के लिए हाउस है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन इज वाइल वी आर वर्किंग विद होमलेस पीपल, हम हमारा ये मानना है कि काम जो है दोनों जगह बहुत जरूरी है, बोथ एट लेवल ऑफ जिंदा के लेवल, बोथ एट लेवल ऑफ यू नो होमलेसनेस एंड एट लेवल ऑफ कमजोरी। और हम लोग जो है इतना मान के चलते हैं कि कोई चाहे स्लम्स हो चाहे होमलेसनेस हो कोई अवैध नहीं है, अगर अवैध है तो अवैध जो है वो जो है सरकार है, क्योंकि अगर होमलेसनेस बढ़ा है देश में, अगर स्लम बढ़ी है देश में, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि पॉलिसी जो है फेल कर दी है, पॉलिसी नहीं रही है। एंड कहीं पे आई थिंक मे बी इन द नेक्स्ट सेशन टॉक अबाउट इट, जिस तरीके से वो आरएवाई आया है उसमें तमाम खोट है, एंड सरकार का कहीं भी कोई नीति नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम को हल कर।